हेलो एवरीवन, बैक टू बैक माय ब्लॉग। और गुड मॉर्निंग आप सब लोगों को। तो यहाँ मैं नहा धो के हो गई हूँ रेडी, और आज है रक्षाबंधन। तो आप सब लोगों को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज का जो दिन है वो पूरा बहुत बिजी होने वाला है। आज का पूरा शेड्यूल बिजी है, क्योंकि घर पे आएंगे मेहमान, तो उनके लिए खाना है, खाना वाना। तो यहाँ हो गई हूँ मैं झटपट थोड़ा बहुत रेडी। उसके बाद मैं घर जाऊँगी, तो घर के लिए मैंने अलग से साड़ी वाड़ी निकाल रखी, तो उसके लिए बाद में रेडी होंगे। तो पहले बनाएंगे सब लोगों के लिए खाना वगैरह, क्योंकि आज खाना भी थोड़ा स्पेशल बनेगा। उसके बाद जो है दीदी वगैरह आएगी राखी वाखी बांधने के लिए, वो सब लोग भी खाना वाना खाएंगे। तो और उसके बाद जो है जो शगुन वगुन होते हैं वो सब बनेंगे, और लड्डू गोपाल की भी राखी बनेगी। तो आज का जो पूरा दिन है वो बहुत बिजी होने वाला है। और यहाँ देखो मेरी मेहंदी कितनी प्यारी रची है, आप लोग पता ना कैसी लग रही है। वैसे मुझे जैसी आती है वैसे मैंने बनाई है। उसके बाद हो गई मेरी चाय वाय रेडी, तो मैं सबको दे रही हूँ चाय। और आज सबको उठाऊँगी थोड़ा जल्दी, क्योंकि आज जो है फिर रक्षाबंधन की तैयारी, सब लोग जल्दी आ जाएंगे तो इस चक्कर से। और यहाँ मेरा चाय हो गई है थोड़ी रेडी। उसके बाद मैं लाई लड्डू गोपाल को भी बनेगी उनकी राखी सबसे पहले। तो यहाँ मैंने निकाली है मैचिंग मैचिंग की, मेरे मैचिंग की ड्रेस। तो यहाँ मैंने उनको नीला दिला के कर दिया है रेडी, और यहाँ बांध रही हूँ उनकी राखी। तो ये मेरा बहुत खुश नसीब हूँ कि आज मुझे उनको राखी बांधने मिल रही है। तो यहाँ हो गई है, मैं बांध दी उनकी राखी वाखी। उसके बाद करा दी उनको थोड़ी सी मिठाई वगैरह, और यहाँ कर दी उनकी पूजा। फिर आ गई हूँ मैं शगुन वगुन बनाने, क्योंकि हमारी ये शगुन जो है राखी के दिन ही बनते हैं। तो यहाँ बना रही हूँ मैं, मुझे आता नहीं है बनाना कभी, मैंने मेरे घर से बनाया नहीं, हमेशा मम्मी बनाती है। पर यहाँ जो कि मेरी सास ने बोला कि तू इस बार तू बना दे, मैं थोड़ा लेट हो गई हूँ। तो मैं यहाँ पर पूछ रही थी कि कैसे बनाना है, क्या बनाना है, मुझे आता नहीं है। उसके बाद ये दीदी आ गई थी, तो ये बनवा रही थी मेरे पास, क्योंकि मुझे आता नहीं है। उसके बाद मैंने करी बेडशीट चेंज, क्योंकि आ जाएंगे मेहमान तो सब बैठे होंगे नहीं, तो ये पुरानी बेडशीट तो अच्छी नहीं लगती। फिर मैंने करी नई वाली बेडशीट चेंज, ये मैंने नई खरीदी थी, मैंने ऑनलाइन नहीं, मैंने लोकल मार्केट से ही खरीदी थी, तो अच्छी लग रही थी। तो यहाँ बिछा दी है मैंने बेडशीट वगैरह, क्योंकि मेहमान वेहमान आएंगे। फिर उसके बाद मैं आ गई हूँ खाना बनाने, क्योंकि सब लोग जो है नहा धो के रेडी वेडी होके सब लोग बैठ गए थे, तो सबको लग गई थी भूख। उसके बाद बनाया मैंने सबके लिए खाना, और यहाँ बाहर हूँ मैं अपने बाल, क्योंकि मुझे अपने बालों से काम नहीं होता, और गर्मी इतनी तेज़ हो रही थी। उसके बाद ये बन गई मेरी खीर, और यहाँ छाछ की सब्ज़ी बनाई है मैंने आलू की, यहाँ निकल रहा है मेरा घी, और बनी है पकौड़ी पूड़ी सब्जी और खीर। उसके बाद मैंने कर दी लड्डू की थाली तली, तो पहले लगी लड्डू वाल को भोग। उसके बाद मैं यहाँ क्लब की साड़ी जो दीदी को देनी है, हमारे क्लब के देते, तो यहाँ मैं उनके उसके क्लब की देती थी मम्मी को डोग वगैरह। उसके बाद मैंने निकाल ली मेरी साड़ी वगैरह, यहाँ हो गई मैं तैयार, क्योंकि मुझे भी जाना है घर, और मैं 6 महीने बाद घर जा रही थी, तो मैं इतनी खुशी थी, और फटाफट तैयार थी दीद वगैरह, उससे पहले मैं तैयार हो गई थी। और यहाँ मैं जो दीदी राखी बांध रही थी उनको साड़ी वगैरह दे रही थी, और उनको देख छू रही थी पैर वगैरह। तो फिर मैंने उनको दी साड़ी वगैरह, वो राखी लेके आई थी, तो राखी बांधी नहीं थी, तो मुहूर्त थोड़ा लेट था। उसके बाद हम निकल गए झटपट के हमारे घर के लिए। उसके बाद यहाँ से ली मैंने मेरे भाई के लिए मिठाई वगैरह। उसके बाद मैं गई मेरे बड़े वाले पापा के घर, तो वहाँ बांधी पहले मेरे लड्डू गोपाल को राखी। और जब हम यहाँ से निकलने वाले, मुझे इतनी खुशी हुई थी कि आज तो मैं जल्दी चल जाऊँगी, हमेशा मैं राखी को बहुत लेट हो जाती हूँ, बहुत लेट हो जाती थी। मैंने सोचा इस बार मैं जल्दी पहुँच जाऊँगी, पर इस बार में मेरी किस्मत हमेशा इतनी ख़राब रहती है राखी के मामले में, कि मैं हमेशा रात को ही पहुँचती हूँ घर पे। तो जब मैं यहाँ से निकली, तो वहाँ पे होने लगे रास्ते में इतनी तेज़ बारिश, हमको निकल दी। जब हम निकले थे जब घर पे, इतनी तेज धूप थी कि धूप में कैसे चलेंगे, धूप में कैसे चलेंगे, और इतनी देर थोड़ी देर बाद में इतनी तेज भयंकर बारिश होने लग गई कि उसको देख के मेरा दिमाग ख़राब हो गया कि हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। उसके बाद रुकी थोड़ी बारिश, फिर हम लोग निकल गए गांव के लिए हमारे। तो यहाँ हमने लिए बंदरों के लिए केले, 2 महीने मतलब 2 संडे निकल गए थे, उनको बंदरों के केले डाले हुए थे। तो यहाँ लिए थे हमने बंदरों के लिए अमरूद, तो वो हम उनको दे रहे थे। तो सारे बंदर एक साथ आ गए थे, इतना डर लग रहा था कहीं ये पूरा इसको छीन डाले, और इसको छीन ही लिए, पर फाइनली करे कुछ। उसके बाद लग गई हमको भूख, तो हमने खाई रास्ते में कचौरी वगैरह। और यहाँ कर रहे थे हम बात कि पहले मौसम कितना ख़राब था, कितना अच्छा हो गया, और फिर अब चलते चलते फिर भी हम लोग आज भी हम लोग लेट हो ही जाएंगे हमेशा की तरह।
तो फिर वो बोले कोई बात नहीं, थोड़ा लेट पहुँच जाएंगे, क्या हो गया, अगर जाना है तो घर पे ही तो जाना है। उसके बाद पहुँच गए हम घर, तो बुआ बैठी थी राखी बांधने के लिए कि हम दोनों साथ में बांधेंगे। तो पहले हमने बांधी हमारे देवताओं की राखी, फिर बुआ ने बांधी पापा की और मैंने बांधी भाई की राखी। तो यहाँ हम लोग बैठ के कर रहे थे बातें कि हम निकले थे जब अच्छी खासी धूप थी, उसके बाद लगे बारिश बारिश। तो यहाँ पहले बुआ बांधती थी पापा को राखी, फिर मैंने बांधी देवताओं की राखी। तो हमारे पहले बनती है देवताओं की राखी, उसके बाद बांधते हैं भाई के। उसके बाद आ गया मेरा भाई, तो फिर मैंने उसको बांधी राखी और हंसी आ रही थी कि इतनी लेट हो गई है वो। और फिर उसके बाद जो है राखी का मुहूर्त हमारे यहाँ जो 9 बजे का था, आप कमेंट करके बताना कि आपके मुहूर्त कितने बजे का था। तो पर बुआ बैठी थी तो बुआ ने बोला ठीक है बांध देते हैं उस राखी को, तो पूरे दिन की होती है तो मुहूर्त वहूर्त तो सब बनाने लग गए। तो फिर मैंने भी बांध दी। और फिर यहाँ पे जो मेरी दीदी जो मेरी ननद राखी देके चली गई थी, उसने बांधा नहीं था क्योंकि वो 9 बजे बांधेगी, 9 बजे का मुहूर्त है। तो यहाँ फिर मैं राखी ले आई थी अपने घर पे क्योंकि मैं हो रही थी बहुत ज़्यादा लेट। तो फिर मैंने छोटी वाली बहन से बंधवाई राखी। और प्लीज़ वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब पक्का करना। तो फिर यहाँ हम दोनों ने बंधवाई राखी और फिर उसको भी दी विदा। और फिर हम रात को इतना लेट हो गए थे, बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे हम। मेरे साथ ही हमेशा ये होता है राखी पे। और फिर ये है मेरा फाइनल लुक जो मैं आप लोगों को दिखा रही थी। मेरे को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला रील में, रील बनाने का बिल्कुल भी ही टाइम नहीं मिला क्योंकि फिर रात को हम लोगों ने खाया खाना और बहुत ज़्यादा थक गए। तो आज का वीडियो